रुक करेंगे खबरों का। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना करतूत को अंजाम दिया। वोटिंग से ठीक पहले भीमा मंडावी के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया जिसमें विधायक की मौत हो गई, वहीं 3 जवान भी शहीद हुए। नक्सलियों ने एक बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए चुनाव आयोग और सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। छत्तीसगढ़ में फिर हुआ नक्सली हमला, विधायक के काफिले पर हुआ हमला, आईईडी ब्लास्ट में उड़ाया बुलेट प्रूफ वाहन, विधायक समेत 5 लोगों की मौत। चुनाव आयोग को नक्सलियों की चुनौती, बस्तर में वोटिंग से पहले हमले से दहशत। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट कर हमला कर दिया। नक्सलियों के निशाने पर स्थानीय भाजपा विधायक भीमा मंडावी का काफिला था जो मंगलवार दोपहर नकुलनार से करीब 2 किलोमीटर दूर श्यामगिरी से गुजर रहा था। डीआईजी पी सुंदरराज ने बताया कि ब्लास्ट के बाद विधायक मंडावी और उनके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी सुरक्षा में तैनात 3 जवान भी हमले में शहीद हो गए। ये भी बताया जा रहा है कि ब्लास्ट में गाड़ी के परखच्ची उड़ गए थे, लेकिन इसके बावजूद नक्सलियों ने फायरिंग की ताकि कोई जिंदा न बचे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि विधायक को पकड़कर बाद में उनकी बेरहमी से हत्या की गई है। श्री भीमा मंडावी और उनके साथ एक ड्राइवर और 3 PSO, कुल 5 लोग इस घटना में शहीद होने का भी प्राथमिक जानकारी आ रहा है। घटनास्थल में SP और अन्य बल पहुंच गए हैं। अभी घटनास्थल को निरीक्षण करके जो शहीदों को या जिसका डेथ हुआ उनके शिनाख्ती करने की कार्रवाई कर रहे हैं, और बाकी जो अभी तक जो जानकारी अनुसार अन्य किसी को कोई नुकसान होने का कोई खबर नहीं है। फिर भी घटनास्थल के आसपास पूरा सर्चिंग जारी है। इसके पश्चात पूरा घटना की समीक्षा की जाएगा, कैसा हुआ क्या हुआ। अभी तो प्राथमिक जानकारी जो मिला उसके अनुसार हमला तब हुआ जब विधायक मंडावी चुनाव प्रचार कर लौट रहे थे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण दंतेवाड़ा में चुनाव प्रचार दोपहर 3 बजे ही खत्म हो गया था। मंडावी बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार थे, उनके काफिले में सुरक्षा बलों की गाड़ी भी थी। धमाका इतना ताकतवर था कि मंडावी और सुरक्षा बलों की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इसके बाद छत्तीसगढ़ के DGP DM अवस्थी ने इस हमले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विधायक को 50 जवानों की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन उन्होंने TI की बात नहीं मानी क्योंकि TI ने उन्हें बता दिया था कि उस रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद वे उसी रास्ते से गुजरे और सुरक्षा में लापरवाही बरतने से ये बड़ी वारदात हुई है। पहले कि उनको सूचित किया गया था कि इस रोड में ना जाए, दो बार जाए, तीसरी बार भी जाए, पांचवी बार भी कोई भी जाए, अगर पुलिस को उनको बता रहा है कि आज नहीं जाए इस तरह से, और किस कारण से हो गए उसको तो आपको बता नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये खुटिया की चूक है। बस्तर संभाग के अकेले भाजपा विधायक थे मंडावी। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बस्तर संभाग की 12 सीटों में से भाजपा केवल दंतेवाड़ा सीट जीती थी। यहां भीमा मंडावी ने कांग्रेस की देवती कर्मा को हराया था। मंडावी विधानसभा में भाजपा विधायक दल के उपनेता भी थे। इस हमले से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर आचार संहिता लगे होने के बावजूद नक्सली अपनी करतूत को अंजाम देने में कैसे कामयाब हो गए। आखिर इसे इंटेलिजेंस फेलियर क्यों न माना जाए। आखिर कब तक इस तरह के नक्सली हमले होते रहेंगे और सरकारें और राजनीतिक दल इस पर सियासत करते रहेंगे। फिलहाल तो चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती 11 अप्रैल को बस्तर में होने वाला मतदान है। उम्मीद यही कर सकते हैं कि सुरक्षा बल अपनी रणनीति में बदलाव करके मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका TV।